जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 की जो है इसका एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस आ चुका है। वर्ष 2024 जनवरी में एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है, लास्ट वीक में। इसीलिए हम लोग साइंस प्लस जीके का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चाहे आप हेड रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट या फिर वर्कशॉप स्टाफ की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्त, जब आप सिलेबस देखेंगे तो साइंस जीके का सिलेबस और साइंस में तो लगभग बहुत सारा चीज़ तीनों में समान रूप से कॉमन है। जैसे वर्क एनर्जी पावर हो गया, और भी बहुत सारा चैप्टर है। तो आप वीडियो को पूरा लीजिए, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हों। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। यहाँ पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और घंटे के निशान को दबा देना है नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। और आपकी सुविधा के लिए बता दें, जो कि रेडियो ऑपरेटर में यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ठीक है, सामान्य विज्ञान का यहाँ पर है। इसके अलावा मेंटल एप्टीट्यूड कहाँ गए भाई आप, देखिए मेंटल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, काफ़ी लोग इसका सिलेबस ढूंढ रहे हैं, इसका पढ़ाया हुआ कहीं मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है। हम आपके लिए बता दें, मेंटल एप्टीट्यूड का बिल्कुल फ्री क्लास आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जितना भी मेंटल एप्टीट्यूड में चैप्टर है, चाहे पुलिस प्रणाली हो गया, ठीक है, जनहित हो गया, कानून शांति व्यवस्था, मानसिक दृढ़ता, सभी को हमने डिटेल से पढ़ाया है। और जितने भी प्रीवियस ईयर UPSI के हों या फिर UP कांस्टेबल के हों, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी के सभी आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। तो इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप देख लीजिए। बाकी GK की भी क्लास बहुत सारी हो चुकी है, जैसे जनसंख्या नगरीकरण हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति, महत्वपूर्ण दिवस, भारत के पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, भारतीय कृषि। तो बहुत सारा चैप्टर यहाँ पर भी हमने कंप्लीट करा दिया है। जो कुछ भी बचे हैं, धीरे धीरे कंप्लीट कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना रखा है। बाकी साइंस की क्लास की बात करें तो इसका कुछ ही क्लास हुआ है, बाकी और भी बहुत सारे क्लास बाकी हैं। तो संभव हो तो हम इसको भी अपलोड करेंगे, बाकी जितना है उसको आप देख लीजिए। और आपको यह सभी PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड, आप यही टेलीग्राम पर सर्च करिएगा या फिर KGW सर्च करेंगे, @ लगा के नीचे डिस्क्रिप्शन भी हमने टेलीग्राम ग्रुप लिंक का दे रखा है, तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी हिंदी का प्रैक्टिस से चल रहा है, हमने एक अपलोड किया है। और जितने भी महत्वपूर्ण लेखक रचनाएं होगी, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हुई, यह सब धीरे धीरे क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस आप वीडियो को बने रहिएगा और लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आपको यह जो प्रैक्टिस है डेली नहीं मिलेगा, 1-2 दिन करके अंतर पर मिलेगा और फिर लगातार मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। सिलेबस की हम लोग बात कर लें, जब हम तीनों का सिलेबस देखेंगे, यानी कि प्रधान परिचालक, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, तीनों में यहाँ पर साइंस वाले सेक्शन को हमने मार्क कर दिया है। इसमें मैक्सिमम टॉपिक लगभग कॉमन है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे मापन, ठीक है, मापन तथा इकाई, यह असिस्टेंट में भी है, हेड में भी है, और इसमें इधर तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर गति के नियम, यह भी तीनों में, कार्य ऊर्जा शक्ति इसमें भी आपको देख सकते हैं, और कार्य ऊर्जा शक्ति यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। सदिश राशि अदिश राशियाँ यहाँ पर भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर भी सदिश अदिश राशियाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चैप्टर क्या है, मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक डिफरेंट भी हैं, ठीक है। तो इस जो हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, जो हम प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, इसमें जो मिलता जुलता क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेगा, हम आपको करवाते हुए चलेंगे। तो चलिए, और यहाँ पर GS की बात करें तो GS तो सभी में लगभग सेम सा ही आता है, GS का क्या सिलेबस, ठीक है, कहीं से उठाकर पूछ देता है। GS मतलब अथाह समुंदर। तो GS के लिए भी आप यह प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, इसमें हम दोनों लोगों का मिला जुला कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, भार की SI इकाई क्या है, यानी कि भार यानी कि वेट का मात्रक पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप सबको पता होगा भार का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में साइंस के सेक्शन में नहीं पूछा जाता है। यूपी पुलिस रेलवे नहीं है कि रेलवे जैसा एकदम हार्ड उठा करके डालेगा, न्यूमेरिकल भी 1-2-3 मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे, देखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो नहीं का विशेष यहाँ पर हमें ख्याल रखना है, नहीं के चक्कर में क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है।
तो अदिश राशि नहीं है यानी कि सदिश पूछ रहा है। तो सदिश राशि इसमें कौन हो जाएगा, तो आप सबको पता होगा बल इसमें हो जाएगा यफ बराबर यम ए द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण सदिश राशि है इसलिए बल भी सदिश राशि हो जाएगा। और आयतन की बात करें तो आयतन अदिश है, द्रव्यमान भी अदिश है और लंबाई भी अदिश है। अदिश मतलब ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण, देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं, जिनमें परिमाण एवं बल की दिशा की दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अदिश राशि में कोई एक रहेगा कोई एक नहीं रहेगा। सदिश राशि में कौन कौन आते हैं, जैसे बल आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, वेग आ जाएगा, विस्थापन आ जाता है। अदिश में कार्य आ जाता है, समय आ जाता है, दूरी आ जाता है, तापमान आ जाता है, विद्युत धारा आ जाता है, यह सब अदिश राशि में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन तो आप लोग हो सकते गैलन का नाम तो सुने ही होंगे, नहीं सुने तो यहाँ पर सुन लीजिए। गैलन क्या होता है, ये इससे नापा जाता है आयतन, जैसे लीटर में हम लोग नापते हैं ना, तो लीटर से बड़ा मात्रक है गैलन, इसको भी हम लोग मापते हैं जैसे तेल ओल लेने में या फिर पानी उनी नापने में, ऐसे में गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयतन की माप के लिए गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए, लिख लीजिए 3.7, ठीक है 3.785 लीटर होता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को खाली स्थान क्या कहा जाता है, तो सबको पता है, अभी अभी हम ऊपर बात करके आए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अदिश राशि, अदिश नहीं यहाँ पर सदिश राशि कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है। संवेग तो इकाई निकालने के लिए पहले हमें पता करना होगा संवेग बराबर होता क्या है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है सॉरी द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम से व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। अब वेग को मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो अब सेकेंड को ऊपर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका 45 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, या प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो 46 का हो जाएगा, किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल आ गया, छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा तो एकदम फार्मूला बेस, ठीक है। तो मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक निकाय वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गति करने के लिए 10 किलोग्राम, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया है 10 किलोग्राम, बल दे दिया है 10 किलोग्राम, और यहाँ पर पूछ रहा है त्वरण, ठीक है। तो देखिए यफ बराबर यम ए, तो यफ बराबर कितना दे दिया है, यफ बराबर यहाँ दे दिया है 10, यम बराबर भी 10 दे दिया है, और यहाँ पर ए पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर एक हो जाएगा, एक क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, तो इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वेग को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला लग जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, के गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या कितना दे दिया 120, तो 120 बराबर 1/2, और यहाँ पर द्रव्यमान भी दे दिया है कितना 15 किलोग्राम, तो गुड़े 15, अब यहाँ पर वी स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है, गुड़े वी स्क्वायर, तो जब यहाँ पर आप कट्टा पिट्टा मचाएंगे तो वी बराबर आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, 1/μ/ε0 की वी मा, जहाँ μ0 वैक्यूम पारगम्यता और E0 वैक्यूम विद्युतशीलता दर्शाता है, ठीक है, तो इसका जो 49 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसका जो बीमा होता है L² T-2 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, न्यूमेरिकल है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्या दिया है, यम दे दिया है, 5 यम दे दिया है, कहाँ पर, यहाँ पर यम बराबर 22 किलोग्राम, और यहाँ पर वी दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो सेम अभी जो पीछे क्वेश्चन पूछा था एकदम वैसा ही है, वी दे दिया है, यम दे दिया है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम का मान यहाँ पर हाफ लिखेंगे और एम का मान यहाँ पर 22, अब वी स्क्वायर 5 यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर काटेंगे तो 11 हो जाएगा, जब 11 से 25 में गुणा करेंगे तो 11 5 55, 11 2 22 5 27 यानी कि 275 कितना आएगा, 275 क्या, 275 जूल, ठीक है, यहाँ पर इसका मात्रक भी पीछे इसका देख लेना है, जूल में आएगा, ऊर्जा जूल में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पेंडुलम लयबद्ध दोलन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग किस में किया जाता है। पेंडुलम आपने घड़ी देखा होगा, ठीक है, तो घड़ी में नीचे क्या एक लटका रहता है, पेंडुलम, ठीक है, ऐसी घड़ी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, पूछ रहा है यह कहाँ प्रयोग किया जाता है, दादाजी की घड़ी में, अब यहाँ पर पेंडुलम घड़ी लिख दिया तो यही सही हो जाएगा, कलाई घड़ी में तो यूज नहीं करेंगे, कर लेंगे तो बांध ही के काम, पीठ पर बांध के घूमना पड़ेगा, धूप घड़ी में नहीं, रेत की घड़ी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या भू स्थिर उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ी है, उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए ये अभी न्यूमेरिकल आ गया, तो देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जो आवर्तकाल का 3 नियम है, उसमें से तीसरा नियम होता है आवर्तकाल बराबर, यानी एक मिनट, टी स्क्वायर बराबर होता है आर क्यूब, तो इसी फार्मूला पर लगेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ा है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 16 गुना की बात कर दिया है, तो इसमें T1 T2 वाला मामला लगेगा, T1 T2 बराबर R1 बटे R2, इधर क्या है, इधर घाते R की घाते 3 है और इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर को यहाँ पर ले करके आएंगे तो स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर T1 भू स्थिर है इसलिए T1 बराबर 1 मान लेंगे और यहाँ पर R1 बराबर भी R ही हो जाएगा क्योंकि 16 गुना बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर 1/T2 बराबर यहाँ पर R का मान R ही रहेगा, R2 को क्या किया गया है, 16 गुना किया गया है, अब यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब जब इसको और आगे हम लोग हल करेंगे तो 1/T² बराबर 1/16 के घाते 3/2 बराबर 1/16 को हम लोग 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अब 3 के घाते 2 हो जाएगा, जब हम स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो यह क्या हो जाए, 1/4, ठीक है, और स्क्वायर तो दोनों में 3/2 होगा, तो यहाँ पर 4 के घाते 2 गुड़े 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 के घाते 3 यानी कि 4 चौक 16 चौक 64, तो 1/T2 बराबर 1/64, तो यानी कि T2 बराबर क्या हो जाएगा, 64, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 64। तो आप लोग यह फार्मूला याद रखिएगा, उपग्रह का कक्षीय वेग से संबंधित 3 नियम है, ठीक है, तीनों नियम को आपको याद रख लेना है। कह रहा है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पानी से जब हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत अपघटन, ठीक है, क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन, 2H2O होता है, 2H2O को जब विद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पर 2H2 हो जाएगा प्लस O2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका एल्केन एल्किन एल्काइन, तो एल्केन का क्या होता है, CnEH2n+2, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बैकेलाइट क्या होता है, 55 का क्वेश्चन पूछ रहा है, बैकेलाइट क्या होता है, यह एक इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है,
उच्च प्रतिरोधी चालक होता है, निम्न प्रतिरोधी चालक होता है। तो देखिए यह क्या करता है, इंसुलेटर का कार्य करता है। इसका यूज कहाँ पर होता है, तो सबसे अच्छा यूज जान लीजिए, जब आप लोग कुकर बनाते हैं सब्जी में, तो कुकर का जो हैंडल लगा होता है काला वाला, वही बैकलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परिमाण होता है दिशा नहीं। तो फिर सदिश अदिश से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो सदिश अदिश वाला कांसेप्ट बढ़िया से क्लियर कर लेना है। तो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, यानी कुल मिला जुला कर पूछ रहा है अदिश राशि कौन है, तो कार्य अदिश राशि होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्य। ओ माई गॉड, हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य। और बाकी संवेग सदिश, विस्थापन सदिश, बल भी सदिश होता है। यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूमेरिकल आ गया, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यह शक्ति से क्वेश्चन पूछ दिया, और 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कांसेप्ट लगेगा, देखिए यहाँ पर 45 सीढ़ियाँ दे दिया, कोई भी सीढ़ी हम ऐसे ही ऐसे चढ़ते हैं, तो सीढ़ियों की ऊंचाई यहाँ पर दे दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सभी 16 सेंटीमीटर हैं और 45 सीढ़ियाँ हैं, तो व्यक्ति कितना दूरी चलेगा, तो 45 × 16 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि ऊंचाई 16 है और टोटल 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है। ठीक है, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा 45 में 16 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 720 सेंटीमीटर। तो टोटल ऊंचाई 720 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, शक्ति निकालना है। ठीक है, तो पहले कार्य हम निकालते हैं, कितना कार्य किया, तो कार्य बराबर होता है MGH, यानी कि W बराबर MGH होता है MGH। तो M का मान कितना दिया है, M दे दिया है 50 और G 10 रहता ही है, और H की बात करें तो H टोटल कितनी हो गई, 720। ठीक है, 720 सेंटीमीटर, जब इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा भी करेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 1 = 36। ठीक है, 36, और यहाँ पर 3600 आ जाएगा। यह क्या आ गया, कार्य आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो समय यहाँ पर दे दिया है, हम लोग जब देखेंगे तो समय कहाँ गया, समय दे दिया है 10 सेकेंड। तो कार्य हमारा कितना आया है, 3600। अब जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, तो कार्य यहाँ पर हो गया है 3600 और समय हो गया है 10, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बच जाएगा 360 जूल। ठीक है, 360 वाट, क्योंकि शक्ति किस में होती है, वाट में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, उम्मीद है या न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो फार्मूला लगा है, एक कार्य निकालना है W बराबर MGS से, फिर जब शक्ति निकालेंगे तो कार्य में समय से भाग दे देंगे तो शक्ति आ जाएगा, तो 57 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रहा है, 1 मीटर किसके तुल्य होता है, तो यह बचपन वाला क्वेश्चन है। तो 1 किलो बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10^8 एंगस्ट्रॉम, माइक्रॉन की बात करें तो 10^6 माइक्रॉन होता है एंगस्ट्रॉम में 10। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो देखिए पढ़िए ऑप्शन, दो वस्तुओं को परस्पर प्रभावी बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, या फिर जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, या बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। तो यही तो है ऑप्शन नंबर सी, जो दूसरा नियम है बलों को समझने में सहायक है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है, पहला नियम है यदि कोई जड़त्व का नियम कहते हैं, यदि जड़त्व विराम में है तो विराम में ही रहेगा, गति करता है तो गति ही करता रहेगा जब तक कि उस पर हम लोग बाहरी बल न लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में किया जाता है, जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धामन सोडा। ठीक है, धामन सोडा का जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता को तो उबाल देंगे तो दूर हो जाएगा, लेकिन जो अस्थाई कठोरता होता है इसमें सोडियम कार्बोनेट, मतलब जो अस्थाई कठोरता होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड के लवण घुले होते हैं, जो कि जल्दी से जाते नहीं है। इसके लिए इसमें हमें मिलाना पड़ेगा सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे धामन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, एन ए
H2CO3.Dutch10 पानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का टॉपिक सभी को देखना है क्योंकि यह सभी में आता है। तो देखिए सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन तो बताइए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा वी, इल्तुतमिश ने चलाया था, यह गुलाम वंश का शासक रहा था। इसने दो चीज़ चलाया था, एक चांदी का सिक्का और तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश के पहले कौन था इस गुलाम वंश में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, यानी कि अमृतसर शहर को किस गुरु ने बसाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था। तो यह तो सबको पता होगा, चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में किया था, जो कि बिहार में पड़ता है। किसके लिए किया था, तो नील किसानों के लिए इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किस में है। तो आर्टिकल नंबर 15 में, सॉरी आर्टिकल नंबर 14 में यह आपको मिल जाएगा, अनुच्छेद नंबर 4 में विधि के समक्ष समता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 65वां कह रहा है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तानाशाही है या राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधि का है या फिर प्रत्यक्ष है, ठीक है। 65 का सही जवाब हो जाएगा प्रतिनिधियों का, क्योंकि हम ही लोग चुन करके भेजते हैं इन लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 65 का सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री हटा सकता है, नहीं हटा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हटा सकते, ठीक है। अब लोकसभा, अकेले लोकसभा भी नहीं हटा सकती, संसद हटाएगी, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं, और यह दोनों यदि महाभियोग लगाएं तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी संसद सही हो जाएगा। और पूछ दे आर्टिकल, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति जी हैं, तो आर्टिकल नंबर 21 में राष्ट्रपति जी को रखा गया है, अनुच्छेद 61 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या के सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 100 में इसकी बात कही गई है, ठीक है, आर्टिकल 100 में इसकी बात कही गई है, 1/10 सदस्य होने चाहिए। तो 67 का हो जाएगा 20, जितने भी सदस्य हैं लोकसभा में उसके 1/10 यदि उपस्थित हैं तो संसद की कार्यवाही को चालू रखा जाएगा, इससे कम है तो कहा जाएगा अब आप जाइए घर, अगले दिन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी और लिम्नोलॉजी। तो देखिए लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन होता है, सिस्मोलॉजी होता है सिस्मो भूकंप का अध्ययन होता है, ठीक है, और कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड। तो कॉस्मोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से गुजर कर जाती है। तो जब आप लोग भारत का मैप देखेंगे, ठीक है, भारत का मैप रफली, भाई मैप बना रहे हैं, मैप तो हम बहुत बढ़िया बनाते हैं, यहाँ पर बन नहीं रहा है, ठीक है। जब भी आप लोग भारत का मैप देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, गुजरात से जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, इन सभी राज्यों से, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा राज्यों से होकर के गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश को काटते हुए त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये लीजिए एकदम हलवा क्वेश्चन, मेघालय इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है। तो यानी कि जब आप लोग, हम लोग कर्मचारी बन जाएंगे या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार में बन जाएंगे तो किस आधार पर तय किया जाता है कि महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में जिसे हम लोग डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, 38% चल रहा है, ठीक है,
यदि आप हेड रेडियो ऑपरेटर में होंगे जितनी भी सैलरी है उसका 38% और असिस्टेंट में जितनी सैलरी है उसका 38% प्लस करके महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि किस आधार पर तय किया जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, 71 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, तो आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल से ही हम लोग मापते हैं आवाज़ को। और बात करें तो इसके लिए देखिए 55 डेसिबल व्यापारिक क्षेत्रों की बात करें तो 65 डेसिबल क्षेत्र नॉर्मल मानी जाती है और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 75 डेसिबल की ध्वनि निर्धारित की गई है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान और खाली स्थान का द्रव्यमान एक समान होता है, तो प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए कवक और शैवाल दो प्रकार के अध्ययन होते हैं, तो कवकों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है, और बच गया मायोलॉजी, या आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, तो अर्नेस्ट हेकल ने इसकी रचना की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्पा या फिर इसे डाम्फा भी कहते हैं, ठीक है ना, आपने डाम्फा लिखा हुआ देखा होगा, तो डाम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में है। और काजीरंगा की बात करें तो असम में काजीरंगा होता है, और उड़ीसा में सिमलीपाल होता है, चिल्का नंदन होता है, ठीक है, और कर्नाटक में हमें मिल जाएगा बांदीपुरा, यह सब कर्नाटक में है। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सूचना का अधिकार के बारे में, तो इसे याद रख लीजिए, वर्ष 2005 तो सभी को याद रहता है, लेकिन तारीख भी यहाँ पर दे दिया है, तो 12 अक्टूबर वर्ष 2005 सूचना का अधिकार और राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण यानी कि अनुसंधान के दौरान, अन्वेषण मतलब क्या होता है, अनुसंधान के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नार्को टेस्ट तो किया जाता है, ब्रेन माइक में भी किया जाता है, पॉलीग्राफ, देखिए इसमें सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नार्को टेस्ट भी किया जाता है, ब्रेन मैपिंग भी टेस्ट किया जाता है, और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 79 कह रहा है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है, तो चरकुला नृत्य हो जाएगा ब्रजभूमि का, यानी ब्रज वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर चरकुला डांस किया जाता है। और बुंदेलखंड में बात करें तो बुंदेलखंड में पाई डंडा किया जाता है, और इसके अलावा राय नृत्य किया जाता है, यह सब बुंदेलखंड का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट कह रहा है निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में कौन सा है, तो चलिए मिलाइए कि सबसे बड़ा ज़िला कौन है, उसके बाद उससे छोटा, तो इसका देखेंगे बाराबंकी तो सबसे बड़ा नहीं है, यहाँ पर सोनभद्र सबसे बड़ा है, मिर्ज़ापुर है, फिर गौतम बुद्ध नगर, एक मिनट ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ दिया है, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम, यानी पहले छोटा आएगा फिर बड़ा, तो आरोही क्रम में हम लोग देखेंगे तो सोनभद्र सबसे बड़ा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन सी या ए सही होगा, फिर मिर्ज़ापुर यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, फिर बाराबंकी, फिर गौतम बुद्ध नगर, देखिए गौतम बुद्ध नगर छोटा ज़िला में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आरोही क्रम में पूछ दिया है इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो इतना ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग कह रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2.5 घंटा टाइम दिया, तो हमें लगता है 50 क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, बाकी यहाँ पर हमने आपको 80 ही कराया। एक काम और आपको करना है, वीडियो कैसा लगा और ऐसा ही वीडियो पार्ट 2-3 चाहते हैं तो नीचे एक बार कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।